शैतानजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास फोर्थ सब्जेक्ट उर्दू। गांधी जी ने सादा ज़िंदगी बसर की। वो बहुत बड़े इंसान दोस्त लीडर थे। वो फिरक परस्ती के नासूर के खिलाफ थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई। उनकी खास तालीम थी, उन्होंने रवादारी और भाईचारे को कायम रखने सिखाया। गांधी जी रंग व नस्ल जात पात और भेदभाव के सख्त मुखालिफ थे। उनका मानना था कि अगर गांव खुशहाल होंगे तो मुल्क भी खुशहाल होगा। इसलिए उन्होंने गांवों और मुल्क की तरक्की के लिए घरेलू दस्तकारियों पर जोर दिया। चरखे को उन्होंने बड़ा रिवाज दिया। वो खुद भी चरखे पर सूत काते थे। 30 जनवरी 1947 ईस्वी में नथुराम गोडसे ने गांधी जी को उस वक्त गोली मार दी जब वो इबादत की तैयारी कर रहे थे। इसलिए इस तरह हमारा मुल्क एक बड़ी रहनुमा से महरूम हो गया। दबा गांधी जी जिंदगी जबरदस्त साद तो सोच इंसान दोस्त लीडर तो इस फिरक परस्त उस तमस नश नसूर तथा खिलाफ उस हिंद ऐसे मुसलमान ऐसे सिख ऐसे सह समझ सारी बोई तम खास तलीम उस यह कि हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो आपस में सब भाई ये उनकी तालीम थी। उन्होंने रवादारी वन मोहब्बत यानी उन्होंने रवादारी भाईचारे को कायम रखना सीखा। यानी दोस्ती तो मोहब्बत हुई पानव गांधी जी रंग व नस्ल जात पात व भेदभाव के सख्त मुखालिफ थे। यानी गांधी जी उस रंग कहाँ से क्रोन कहाँ से सफ़ेद या कहाँ से लकोट कहाँ से बोर्ड या कह जात पात तमुक उस ज़बरदस्त मुखालिफ। तम सुन वन उस कि अगर हा गाम आ खुशहाल तेल मुल्क खुशहाल, अगर हा इंसान आ खुशहाल तेल मुल्क खुशहाल। इसलिए उन्होंने गांव और मुल्क की तरक्की के लिए घरेलू दस्तकारियों पर जोर दिया। जबरदस्त तरक्की यहाँ कि घरेलू यानी घरन मज करो कारोबार शुरू बंद पनो अत करो पी मेहनत करो ताकि इत रोज प्रथ इंसान कामयाब। चरखे ये यदर से वन यानी तम सम वक्त जबरदस्त ये मशहूर। वो खुद भी चरखे पर सूत काते यानी सह सूस पान तट ये फम कता तो 30 जनवरी 1948 मं नथुराम गोडसे ने नथुराम गोडसे ने गांधी जी को उस वक्त गोल मार दी। दबा तम सात गोल शिकार ये पनी इबादत तैयारी उस करा। इस तरह हमारा मुल्क यानी तम सात 1948 मं गो हिंदुस्तान एक इस बड़ी बार रहनुमा महरूम। सरगर्म से वाला पुरजोश जदोजहद की कोशिश फिरक परस्ती से वाला तासुब तंग नजरी रवादारी का मोहब्बत मेल जोल भाईचारा को दोस्ती भेदभाव को फ़र्क यानी गंजी उस लकस तो बड़ी मन यानी लकुट कह अमीर ऐसा या गरीब ऐसा फ़र्क गई कि दस्तकारी गई दस्तकारी तथा चीज वन इस अच्छो सत्य बना महरूम होना यानी खो देना कह चीज रावन। गांधी जी ने तहरीक आज़ादी में हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक शुरू की। 1942 ईस्वी में गांधी जी ने दिए गए अधूरे जुमलों को बे में से दिए गए अधूरे जुमलों से मिलाकर जुमला इश करो एसमैज नीचे दिए अल्फाज की मदद से खाली जुम को पूर कीजिए। गंपा मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद गिरजा मुसलमानों की इबादतगाह को मस्जिद कहते हैं, हिंदू की इबादतगाह को मंदिर कहते हैं, ईसाइयों की इबादतगाह को गिरजा कहते हैं, बौद्धों की इबादतगाह को गंपा कहते हैं, सिखों की इबादतगाह को गुरुद्वारा कहते हैं। इतने पर लिखूँ कायदे में